अभी पहुंचा खेल घर, वहां उसे दिखी सोने की टिकट। अभी का सामना हुआ सोने की टिकट के रक्षकों से। उनसे सामना करके अभी ने पाई सोने की टिकट। आगे बढ़ने के लिए अभी को हासिल करना होगा पासा। पासा हासिल करने के बाद अभी ने चाल चली। अब आगे माया, मेरी बारी तो हो चुकी है। चल अब तू अपनी किस्मत आजमा ले। ये ले बॉस। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अभी 15 का अंक पूरा करने के लिए तुम्हें जरूरी है इस बार 6 अंक लाना, नहीं तो तुम दोनों अपनी मौत की तरफ खाई में गिर जाओगे। सही समय पर अपनी तलवार निकालकर अभी ने बचाई अपनी और माया की जान। माया, जल्दी से अपनी परछाई बना और रस्सी से मैं ऊपर खींच। बॉस, कितनी बढ़िया जगह है बॉस। देख कितने बड़े बड़े खिलौने हैं यहाँ पर और कितने सुंदर भी। स्वागत है स्वागत। अरे अरे बच्चों डरो नहीं, मुझे तुम अपना दोस्त ही समझो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, स्वागत है तुम्हारा इस खेल घर में। आज बड़ी ही खुशी का दिन है जो तुम दोनों यहाँ आए हो। थैंक यू दोस्त। मेरा नाम रेंचो है। तो बताओ दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अरे बच्चों घबराओ नहीं, अभी तो तुमने मुझे अपना दोस्त कहा था ना, तो बेझिझक पूछो क्या चाहिए तुम्हें। वो रेंचो जी, हम यहाँ सफेद मनी लेने आए। जहाँ पर हम रहते वहाँ पर कुछ बुरी शक्तियों ने काली मनी का इस्तेमाल कर कर हमारे खिलौने को बुरा और खून का प्यासा बना दिया है। अरे बाप रे। हाँ बॉस, और अगर हमें सफेद मनी मिल गई तो हम वापस हमारे खिलौनों को सामान्य कर सकते हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? मैं तो तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ
मैं तुम्हें खेल घर के राजा से जरूर मिलवा सकता हूँ। हमारे राजा बहुत ही अच्छे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। आपके राजा में मिलेंगे कहाँ? मैं खुद ही तुम्हें उन तक लेकर चलता हूँ। आओ। महाराज अंकल, सारे खिलौने हमारे पीछे पड़े हैं। जाओ हमें। घबराओ मत बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आदित्य, जाओ मार दो इन्हें। पीछे जाओ। वाह मेरे बेवकूफ आशिक, तुमने दिल लगाया है एक नागिन से और मेरे एक सांप से डर गए। तुम मुझसे शादी का वादा करो तो ये एक सांप क्या, दस दस सांप मैं अपने गले में लटका के घूमूंगा। शकुर, अपनी बकवास ना बंद करो। तुम ना बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो और अपनी कद की तरह छोटी छोटी हरकतें करते हो, है ना? तुम तो बड़ा कह रहे थे कि गुरुकाल की मैं जगह हत्या लूंगा, मैं उसकी जगह ले लूंगा। देखो तुम्हारे पास अभी मौका है, गुरुकाल की जगह ले लो, आजमा लो अपनी ताकत। सच्ची? अरे अरे आओ आओ, अरे सुनो, मुझे तो इन सांपों से छुटकारा दिलाओ। अरे सुनो, ये घुस बैठी है कौन है, मार दो इसे। एक मिनट, खेल घर की ये नौबत आ गई है कि अपने दोस्तों पर वार किया जाता है। अरे अपने चाहने वालों की जान लोगे? हाँ क्या दोस्त? हाँ दोस्त, अब मेरा कद देखो, मैं तुम लोगों का दुश्मन हो सकता हूँ? हाँ अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन तो वो आ रहे हैं, देखो वो। अरे इनको बच्चा समझकर जहां से मैं नहीं आना, ये जरूर है पर शैतान के अवतार हैं, बड़े क्रूर और लालची हैं। एक बात और, ये बच्चे हैं ना खिलौने से नफरत करते हैं। बस बहुत सुन लिया तुम्हारा झूठ, अब और नहीं। बच्चे ही तो हैं जिनके कारण खिलौनों का जीवन है, और बच्चे कब से खिलौनों के दुश्मन बनने लगे? झूठ? ये कैसे मान लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? गुरुकाल तुम लोगों का दोस्त है। सदियों से हम जानते आ रहे हैं कि बच्चों को खिलौने कितने पसंद हैं, और हम तुम्हारी ये बेहुदा बातों के ऊपर कैसे यकीन कर सकते हैं? अगर मैं तुम लोगों को सबूत दिखा दूं तो मेरी बात का भरोसा करोगे? हाँ, अगर सबूत पक्का है तो तुम्हारी बातों के ऊपर हम यकीन कर सकते हैं। ठीक है, देखो हे भगवान, अपनी आंखों से सब देखा ना, कितनी दरिंदगी से खिलौने को वो काट रहे थे, मार रहे थे। अब तो यकीन आया ना कि मैं आपका दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। ये दोनों बच्चे तो घोर अपराधी हैं, महापापी हैं। चलो इनके गंदे पांव खेल नगरी में पड़ने से पहले इनका खात्मा कर दें। हाँ जाओ जाओ, मार दो उनको। चलो सिपाहियों, अब तुम्हें खेल नगरी से अपने सूरजपुर के बच्चों को बचाने के लिए कोई मदद नहीं मिलने वाली। अभी अगर तुम्हें उन्हें बचाना है तो वो मायावी चाबी मुझे देनी होगी। हाँ, मायावी चाबी। बस वहीं रुक जाओ, अपने गंदे पांव
खेल नगरी में लाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। माफ कीजिए पर हमसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती? बहुत बड़ी गलती। तुम खिलौनों के दुश्मन हो, खूनी हो तुम, खूनी। ये आप क्या कह रहे? हम आपके दुश्मन नहीं है। हाँ बॉस, हम तो आपके दोस्त हैं। आप रेंचो जी से ही पूछ लीजिए। हाँ मित्र। चुप रहो रेंचो, लगता है इन बच्चों ने तुझे भी बेवकूफ बना दिया है। यहाँ पर जरूर कोई गलत फहमी हुई है। बंद करो तुम्हारा नाटक, हम तुम्हारी असलियत जान चुके हैं। हम सब ने देखा है बेजुबान खिलौनों की जान लेते हुए। खिलौनों की जान लेते? देखिए वो हमने जिन खिलौनों को मारा था वो एक बुरी शक्ति के वश में आकर हमें ही मारने आए थे, इसलिए हमने तो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा की है। एक और झूठ। हम हर खिलौना हमारे यहाँ से जांच कर भेजते हैं, उनमें कोई खराबी नहीं। हम तुम्हारी सारी असलियत जान चुके हैं। खिलौनों पकड़ो इन्हें। माया भाग। हाँ बॉस। महाराज ये बच्चे खूनी दरिंदे हैं। इन बच्चों की मासूम शक्ल और चिकनी चुपड़ी बातों में विश्वास मत कीजिएगा। ये खेल घर को बर्बाद करने आए हैं। बर्बाद? हाँ बर्बाद महाराज बर्बाद। सबसे पहले वो आपसे सफेद मणि मांग, फिर उसे भ्रष्ट करके आपकी प्रजा और खेल करके सभी अच्छे खिलौनों को तबाह कर दे। ये बच्चे की इतनी हिम्मत! मैं अपनी प्रजा को कोई भी हानि नहीं पहुँचाने दूंगा। अगर कोई कोशिश भी करेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। हाँ महाराज सजा तो मिलनी चाहिए। मुझे कम से कम ये सांत्वना है कि मैंने इन बच्चों को खिलौने की खून की प्यास बुझाने से रोक दिया और खेल नगरी को खूनी खिलौनों से सतर्क कर दिया। इसके लिए पूरा खेल नगरी तुम्हारा आभारी है। शुक्रिया। गुरु काल वेरी हैप्पी मुंबासा। अब पक्का हो गया है अभी तेरी यहाँ कोई नहीं सुनेगा। अब अगर तुझे मेरे ही भेजे हुए खूनी खिलौनों से सूरजपुर के बच्चों की जान बचानी है तो तुझे मुझे वो मायावी चाबी सौंपनी पड़ेगी और फिर रुद्र का अमृत और तीनों लोगों पर राज मेरा है। आदित्य, आदित्य क्या आपको अपनी प्रजा और अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है? ये क्या कह रही हो तुम रुक्मिणी? तुम जानती हो कि मुझे सूरजपुर के वासी और अपने परिवार में कोई अंतर नजर नहीं आता। एक समान है दोनों मेरे लिए। अच्छा इसीलिए अभी तक अभी माया और विश्व की कोई खबर नहीं है? पर भरोसा रखो रुक्मिणी, बच्चों को कुछ नहीं होगा। बच्चों को मैं खोज कर तुम्हारे सामने लाऊंगा। जीत गया, यस मैं जीत गया, जीत गया, यस मैं जीत गया। शाबाश विशु। विशु तुम आ गए बेटा, पर अभी और माया कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं है? मेरे साथ नहीं आंटी, मैं तो मैराथन रेस में पार्टिसिपेट करने गया था और मैं जीत के आया हूँ। लेकिन मुझे नहीं मालूम अभी और माया कहाँ है। आपने देखा आदित्य, विशु को भी नहीं पता कि माया और अभी कहाँ है, और आपको उन्हें ढूंढने के लिए अब मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैं अपने बच्चों को खुद ही ढूंढ। मेरी बात तो सुनो रुक्मिणी। माया माया उठ जाना, उठ जा माया, प्लीज उठ जा, कुछ बोल माया, उठ प्लीज माया, माया उठना, क्या हो गया तुझे माया, उठ जा प्लीज। कैसे हो तुम लोग, अच्छे बुरे की समझ में नहीं है तुम्हें? हमें हमारी बात कहे बगैर हम पर हमला कर दिया, यहाँ खड़े खड़े घूर के रहे हो, चले जाओ यहाँ से।
मैं बोलता हूँ चले जाओ। ए लड़के ज्यादा मत उड़, अब बारी तेरी है। मत मान हमारी बात, पर सच तो यही है, अचानक सभी खिलौने जिंदा हो गए और हम पे हमला बोल दिया। ओए, थोड़ा तो सोच समझ के फेंक लिया कर, खिलौनों में जान आ गई और वो इतने बुरे हो गए कि बच्चों की जान लेंगे, पागल हो गया है क्या? देखो आ गए खूनी खिलौने, सब भागो। इतनी गड़बड़ हो गई और खिलौनों सच्ची में जिंदा और जान के प्यासे हो गए, अब मुझे ही कुछ करना होगा। आर्य पार, जीते उषु की रफ्तार। आर्य पार, जीते उषु की रफ्तार। अरे ये कौन था जो अचानक से आया और हमें बचाकर चला भी गया? देवको, इससे पहले कि इन खिलौनों में जान आ जाए बंद कर दो इन्हें, बाद में बताऊंगा इनके साथ क्या करना है। जी महाराज। शुरू हो जा मेरे जादुई खिलौनों और दिखा दे अपनी ताकत। देखो देखो मेरी सोना, कैसे सूरजपुर के लोग इधर से उधर, उधर से इधर उदक रहे हैं। ये लोग कितना भी हाथ पैर हिला पर ये लोग कुछ नहीं कर सकते। सूरजपुर के लोगों के साथ साथ महाराज आदित्य सबका हो गया ना अंटे में बंटेगा चंटा। शकुर है, इसकी इतनी हिम्मत कि आदित्य अंकल का मजाक उड़ाए। ओए शकुर, अब बहुत बोल लिया तूने, अब मैं तुझे दिखाता हूँ। देखो देखो मेरी आओ, विशु तुझे अब दिखाती हूँ। कल तो तुमने खेल करके लोगों को भड़काया था। हाँ लगता है इसका होश में आने का वक्त नहीं आया। कोई बात नहीं, सोने दो। तुम तो जाग गए हो ना, तुमसे बात कर। अभी आसपास देखो, तुम रोड पर बंधे हुए। सेवक है ना, वो तुम पर बुलडोजर चढ़ाने पर उतारो है। कोई तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, मेरे पास एक रास्ता है, मायावी चाबी का। मायावी चाबी दे दो और बुलडोजर के नीचे आने से बच जा। मेरा जवाब वही है गुरुकर, जो हमेशा था और रहेगा। मायावी चाबी पाकर तुम रुद्र का अमृत हासिल कर लोगे, तीनों लोगों पे तुम्हारा राज होगा। पर मैं रुद्र का रक्षक ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वी, एक बार फिर से सोच लो, बुलडोजर नीचे आने से मौत बड़ी दर्दनाक होती है। चाबी दे दो, बचा लो अपने आप को। मुझे मौत से मत डराओ गुरुकार,
तुम मुझे डर नहीं लगता? डरता है कि नहीं वो देखते हैं। अभी पुलटो से चढ़ जाएगा तुम पर, देखना। ले आओ। अभी एक मौका और दे रहा हूं, चाबी या मौत। जल्दी बोल।